नमस्कार, ऊर्जा वास्तु में मैं धीरेन्द्र शाह। आज के वास्तु के टिप्स में मैं मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ। कई दफ़े कई कस्टमर कई क्लाइंट ने मेरे को बहुत सारी जगह पर पूछा है कि मंदिर की सही डायरेक्शन कौन सी है, सही डायरेक्शन और किस जगह पर रखना चाहिए। कोई भी रेसिडेंस है, मकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, कोई भी जगह पे जब मंदिर के घर की अंदर स्थापना करनी है तब मंदिर पूरब दिशा, ईशान दिशा और उत्तर दिशा और सेंटर पॉइंट मध्य भाग में होना चाहिए। आप फिर से सुन लीजिए, पूरब का कॉर्नर, ईशान का कॉर्नर, उत्तर दिशा का कॉर्नर और जो भी स्ट्रक्चर से मकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, उसका मध्य भाग में आप मंदिर की अरेंजमेंट कर सकते हैं। और मंदिर की ऊपर की साइड में किसी भी तरह का वजन नहीं होना चाहिए और मंदिर के आसपास की सब जगह साफ सुथरा होनी चाहिए और रेगुलर नियमित दीवा पूजा होनी चाहिए। और आसपास में खिड़कियाँ है तो वो खिड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुली रखनी चाहिए। जितना भी सूर्य प्रकाश घर में ज़्यादा आएगा इतनी मंदिर की ऊर्जा बढ़ेगी, देव देवी की ऊर्जा बढ़ेगी और वो ऊर्जा से परिवार की सुख समृद्धि बढ़ती है। स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी कोई भी डायरेक्शन में मंदिर की स्थापना नहीं होनी चाहिए, रखना नहीं चाहिए। किचन में कभी भी नहीं रखना चाहिए और कोई भी सीढ़िया के नीचे भी मंदिर की अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। ये बात खास ध्यान रखना है कि मंदिर के ऊपर किसी भी तरह का वजन नहीं आना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सूर्य प्रकाश मैक्सिमम आना चाहिए और ईशान कोना पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में और मध्य भाग में मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। अगर पूरा मकान अपने मकान के अंदर अगर सुख समृद्धि चाहते तो अपनी जो भी अपना धर्म जो भी है उसमें मंदिर की जब भी स्थापना करते तब ये डायरेक्शन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अपने परिवार को सुखी रखना है तो मंदिर की स्थापना ये दिशा में होनी चाहिए। नमस्कार।